अपने रास्ते की फिर बनाते हैं और आपसे अपडेट करते हैं। ये पूरी पूरी जर्नी जो है, हम लोग अपनी बसेस रोकते हैं, कुछ मखसूस पेट्रोल स्टेशन है, सब लोग वहीं हैं। लेकिन जो टिकट्स थे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज मैं और मेरे साथ वही हमारे दोस्त जो हमें अच्छे अच्छे से अरबियन ऊद के या ऊद अलीफ के हमें अच्छे अच्छे से कलेक्शन दिखाते रहते हैं, हम दोनों आज जा रहे हैं किधर, एक सरप्राइज़ है। सबसे पहले आप सबको अलविदाई रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अलविदाई है, रमज़ान गुजर चुका है और ये हमारा ट्रैवल व्लॉग हो रहा है सऊदीया में। और अभी हमारा ट्रैवल है टू मक्का और अभी हम कर रहे हैं उमरा और उमरे के लिए हम जा रहे हैं, मैं और मिस्टर अदनान। अस्सलाम वालेकुम अदनान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं आप? जी आई होप आप मुझे मिस कर रहे होंगे, मैंने काफ़ी अच्छे से परफ्यूम्स नहीं किए। जी अदनान, लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। हाँ, मैं कुछ परफ्यूम्स लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह जल्द ही, तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं मुकद्दस सफ़र के लिए जी, मक्का में उमरा करेंगे, मदीना जाएंगे, तो रमज़ान के आखिरी दिन हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत नाइस एक्सपीरियंस है। इतने अरसे बाद लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और वो भी उमरे के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। अच्छा गाइस, अभी सुना आपने और मैं और अदनान जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन घर से निकले हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे नहीं 1.5 घंटा हो गया, 2:45 पे निकले थे और अभी 4 बज रहे हैं, 4:07 हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं और रियाद क्रॉस करेंगे। हमारा प्लान है कि रियाद क्रॉस कर लें हम जो है अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही, यानी उसे क्रॉस कर लें, क्योंकि आज वीकेंड भी है, थर्सडे नाइट होगी तो फिर वो सिटी में काफ़ी रश हो जाता है, जिसकी वजह से उसको क्रॉस करते हुए आपको बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, उमरे का हमारा प्लान बना लास्ट वीक में और हम जा रहे हैं बाय कार, अपने कन्वेस पे जा रहे हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं उमरे पे जाने के लिए आपके पास, आप उमरे पे रमज़ान में यहाँ पे डेली बसेस चलती हैं, आप जिस किसी भी सिटी में रहते हैं वहाँ से डेली बस जो चलती है, हम रहते हैं खुबर सिटी में तो वहाँ पर डेली बसेस चलती हैं उमरे के लिए भी और मदीने के लिए भी। और दूसरी चीज़ सेकंड मैं आपको बता दूं, आप बाय एयर जा सकते हैं, हमने बाय एयर भी पता किया लेकिन जो टिकट्स थे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा, यानी आपको 3 गुना ज़्यादा रेट पे टिकट्स मिल रहे हैं, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, उससे तकरीबन हाफ में आप जा सकते हो, अगर आपकी गाड़ी आप उस पर जा सकते हो, उसका आपका एक्सपेंस जो होगा वही जो नॉर्मल होता है गाड़ी का, बस वही होगा। तो बस ट्रैवल है, ड्राइव है और अदनान माशाल्लाह ड्राइविंग हाईवे पे काफ़ी अच्छी कर लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए अदनान। तो अदनान, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? यस। अच्छा, तो अभी हम पूछते हैं अदनान से कि मसलन कार पे जाने के अपने कन्वेस को क्यों हमने प्रेफर किया है। और तो उसमें यह है कि आप गाड़ी, अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, लंबे सफ़र के काबिल कंफर्टेबल गाड़ी है, जैसे जैसे कह सकते हैं आप कॉम्पैक्ट एसयूवी या थोड़ी सी मिड साइज सेडान, जैसे मिड साइज सेडान में कैमरी, सोनाटा और कॉम्पैक्ट एसयूवी में इस तरह की गाड़ियां आ जाती हैं, जैसे स्पोर्टेज, टक्सन, चंगन की कुछ गाड़ियां हैं, तो इन पे आप जा सकते हैं आसानी से। और अगर आपको ड्राइव का मसला है तो फिर तो आपको प्रेफर करेंगे कि आप बस पे ही जाएँ, लेकिन अगर आपके पास 2 ड्राइवर हैं अच्छे तो आप प्रेफर करेंगे कि गाड़ी आप ले लें अपनी गाड़ी, अगर नहीं है तो आप रेंट पर अच्छी गाड़ी ले लें कोई, ये आपको ऑलमोस्ट विद इन 1,000 3 से 4 डेज़ के लिए मिल जाती है अनलिमिटेड कवरेज में। जैसे येलो एक कंपनी है, वो बहुत अच्छी गाड़ियों के डील्स दे रही हैं आजकल, तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड से एडवांस बुकिंग कराएंगे वो 10% डिस्काउंट भी देंगे और अनलिमिटेड माइलेज भी आपको मिलता है 45 रियाल पर डे में। तो ये ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि गाड़ी पे आप जाएं, गाड़ी पे आप जाएंगे आपके पास, आपको कोई टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको कहीं दूसरी बसेस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहाँ जहाँ आपकी पार्किंग पॉइंट है वहाँ तक चले जाएंगे, वहाँ से आप बस में बैठ के हरम जाएंगे। दूसरा, आप फिर मक्का से मदीना भी आराम से जा सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक, बसेस ऐसे नहीं करती। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है, जो हम भी प्रेफर कर रहे थे बाय एयर वाला, उसमें भी आपको गाड़ी रेंट करनी पड़ती है। आप अपने स्टेशन से, जैसे आप दमाम से या रियाज से उमरा करने जा रहे हैं, तो आपको जद्दा या मदीना एयरपोर्ट से गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी, तो वो ओवरऑल फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सबसे अच्छा ऑप्शन था। अगर सबसे सस्ता ऑप्शन देखा जाए तो वो तो बस है, लेकिन बसेज में आपको तकलीफ बहुत उठानी पड़ती है, तो इसलिए हमने गाड़ी में जाना प्रेफर किया है। जी वकार जी, तो अभी अदनान ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं इनसाइड द किंगडम उमरा पे जाने के लिए, वो सब उसने बहुत अच्छे से आपको बताई हैं। अच्छा, दूसरा, अदनान कैमरे में इसलिए नहीं आते, वो थोड़ा सा कैमरा शाय हैं, इसलिए भी मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ था कैमरा, लेकिन अदनान बता रहे थे, शायद हो सकता आप लोग ये सोच रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कैमरा शाय बिल्कुल नहीं हूँ, असल में मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए हैं आजकल, मैं उसका ब्यूटी पार्लर से वो कराऊंगा और आपके सामने जल्द इंशाल्लाह अपनी खूबसूरत शक्ल लेके आऊंगा। वकार, आपको किसने कहा मैं कैमरा शाय हूँ? ये जी, लेकिन दाने इतने नहीं है, दान की स्किन साफ ही है, लेकिन हो सकता है ये चाह रहे हो कि ये थोड़ा सा, लेकिन हार्डली, ये इंशाल्लाह हमारा उम्रे का ये 2 से 3 दिन का ट्रिप है, मदीना भी जाएंगे, मक्का और मदीना का। तो अभी हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ है गाज़ी, आज फर्स्ट डे है, थर्सडे है, और अभी हम घर से निकले हैं, 2 घंटे हुए हैं और अभी हमारा ट्रैवल स्टार्ट है टूवर्ड्स रियाद, रियाद से फिर आगे उमरे के लिए। तो मीन्स हम सीधा जाएंगे, बस असर की नमाज इंशाल्लाह अभी हमने पढ़नी है, और ऑप्शन सारी आपको पता हैं, बता दी हैं अदनान ने। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी, अपना कन्वेंस है, गाड़ी कम्फर्ट है, तो आप उस पर जा सकते हैं। ड्राइव आप, जैसे अदनान ने कहा, 2 ड्राइवर हों तो बेस्ट है, गुड है, आप जा सकते हैं। अगर नहीं है तो येलो कंपनी आपको रेफ़र किया अदनान ने, और येलो कंपनी जो है जी, हाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपके पास एक भी अच्छा ड्राइवर है ना, तब भी आप इजीली जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक भी आपका ड्राइवर है तो आप रेस्ट लेके, 12-13 घंटे का रास्ता है, रेस्ट लेके आप तकरीबन 15 से 16 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऊपर से 12-13 घंटे का रास्ता। हाँ, अगर आप बगैर रुके जाएं तो 12 घंटे में आप मक्का पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप बीच में थोड़ा रेस्ट लेंगे वो तो, और खाने पीने के लिए रुकेंगे, वॉशरूम के लिए रुकेंगे, बिल्कुल, हाँ। तो उसके लिए आपको ये है कि नमाज के लिए रुकेंगे तो आपके 2 घंटे इजाफी लग जाएंगे, लेकिन एक ड्राइवर भी हो, अगर हिम्मत वाला हो, लॉन्ग रूट पर चलता रहा हो या उसके अंदर स्टेमिना हो, तो वो कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी देखनी है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी आम आदमी जिसने कभी लॉन्ग ड्राइव, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लॉन्ग ड्राइव कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, ऑल ओवर सऊदी अरेबिया घूम चुके हैं कार्स पे, तो हमें आदत है, लेकिन ये भी हमें छोड़े हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, लॉन्ग ड्राइव्स को 3-4 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन फिर भी हमें आदत है, हम कर सकते हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली ऑप्शन ये है कि आपने अपने आप को सेफ़ रखना है, अगर आप कर सकते हैं तो ही करें, और अगर आपको रास्ते में नींद आ रही है, आपको थकन महसूस हो रही है, आप तो फौरन रेस्ट करें, तो बेटर यही है कि 2 अच्छे ड्राइवर हों आपके लिए। बिल्कुल, और 2 अच्छे होंगे तो फिर ज़्यादा, यानी अपना कंफर्ट जोन भी देखें, और अपना कन्वेंस का वैसे ज़्यादा एडवांटेज है आपको। तो चलें जनाब, हमारा जो उमरा, जो ट्रैवल व्लॉग होगा, उसका स्टार्ट इंशाल्लाह आज से हो गया है। जी, आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो कि मेरा यूरोप ट्रिप और जो टर्की का ट्रिप था उसकी, और अभी मेरी वो वीडियोस कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज़ के लिए स्किप होंगी और फिर वो कंटिन्यू होंगी। अभी उसमें बहुत सारे ट्रैवल वीलॉग्स मज़े के आपके लिए हैं और वो इंशाल्लाह कंटिन्यू होंगे, लेकिन उससे पहले, चूँकि हम अभी उमरा कर रहे हैं, उमरा के ट्रैवल वीलॉग्स चलेंगे, तो ये मैं पहले अपलोड करूँगा, और ये क्योंकि अभी रमज़ान में हम कर रहे हैं तो ये फ्रेशली हमें कर लेने चाहिए। हो सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन, ये वाली वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, इस किसी इन्फॉर्मेशन से आपको इन्फॉर्मेटिव हो और आप जो है वो ट्रैवल करें और आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। तो चलें, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आप भी उमरे के लिए जो हैं तैयारी करें। तो अभी घर से निकलते, मैंने थोड़े से अपने क्लिप एडिट किए थे कि हम निकल रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो मैं इस वीडियो के एंड पे डाल देता हूँ, और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, मुझे और अदनान को, और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो जो है वो हम
अपने रास्ते की फिर बनाते हैं और आपसे अपडेट करते हैं। ये पूरी पूरी जर्नी जो है हम आपसे अप टू डेट रहेंगे अपनी वीडियोस के थ्रू। सो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर आपको अच्छी लगी है, और इस पर कमेंट्स भी अच्छे अच्छे हमें आपको चाहिए। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।